21 जुलाई को दो फिल्में रिलीज हुई, एक डांस पर बेस्ड है तो दूसरी महिलाओं की समाज में स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े करती है। शब्बीर ने टाइगर के साथ ये तीसरी फिल्म डायरेक्ट की है। वहीं लिपस्टिक अंडर माय बुर्का अलंकृता के डायरेक्शन में बनी है, जिसका सेंसर बोर्ड से काफी विवाद चला। अब दोनों फिल्मों का 7 दिन का कलेक्शन भी आ चुका है। मुन्ना माइकल ने 7वें दिन 2 करोड़ की कमाई की और लिपस्टिक अंडर माय बुर्का ने 1 करोड़ 30 लाख की। मुन्ना माइकल का 7 दिन का टोटल कलेक्शन 42 करोड़ पहुंच चुका है। वही अलंकृता के फिल्म का 12 करोड़। मुन्ना माइकल 3000 स्क्रीन पर रिलीज हुई और अलंकृता के फिल्म 400 स्क्रीन पर। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का का बजट सिर्फ 6 करोड़ है और इस लिहाज से फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन कर लिया है। वहीं मुन्ना माइकल का बजट 45 करोड़ है। देखते हैं दोनों फिल्में सिनेमा हॉल पर और कितने दिन टिकती है। बाकी के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल HSB News को सब्सक्राइब करें।